नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। चुनावी रणभेरी बच चुकी है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। सेनाएं निकल पड़ी हैं, मंथन का दौर चल रहा है। पहले चरण उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के लिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होना है उसके लिए मंथन, टिकट बांटने का मंथन लगभग सभी दल शुरू कर चुके हैं। 10 फरवरी को पहले चरण के लिए यहां वोट डाले जाएंगे। इसी तरीके से 14 फरवरी को उत्तराखंड और पंजाब में एक साथ वोट पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव। तो क्या जो शुरुआत में बढ़त हासिल करेगा वो आखिरी दौर तक उसका एडवांटेज उसे मिलेगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों पर आज मंथन करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं और धीरे धीरे एक के बाद ये जो बैठक करने वाला कुनबा है ना, वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा, भारतीय जनता पार्टी में। और समाजवादी पार्टी का तो सब कुछ लखनऊ है, घूम फिर कर यही मंथन, चिंतन, गुणा, गणित, विरोध, समर्थन, सब सारा गणित है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सियासी पारा काफी गर्म है। आपको रात को डिनर पॉलिटिक्स, डिनर डिप्लोमेसी भी चल रही है दलों के बीच में। छोटे छोटे दल, उनके नेता, टिकट चाहने वाले लोग, अलग अलग तरीके की डिप्लोमेसी लखनऊ में चल रही है। और दिल्ली भी उत्तर प्रदेश की राजनीति से अछूता नहीं है। राजनीति, चुनाव उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली का दिल भी धड़क रहा है क्योंकि एक महीना बाकी है और बहुत सी तैयारियां सभी दलों को करनी, खास तौर पर क्षेत्रीय दलों को, थोड़ा जिनके पास संसाधन कम है उनको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की बैठक लखनऊ में हुई, सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन किया गया। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव एक बार फिर अवतरित हुए और कार्यकर्ताओं से बातचीत करके जोश भरते नजर आए। सपा के मौजूदा नेतृत्व को उन्होंने इशारों में संदेश दिए, संकेत दिए और गुरुमंत्र भी दिया। नेताजी को सुनिए। ठीक है, हमारे सहयोगी नेताजी का जो अंदाज आगाज दिखा रहे थे देखने लायक है, देखिए। बीजेपी के वो कहते समाजवादी पार्टी की ये लाखों की खतरनाक है, लाखों की से परेशान हो गए, क्या है ना, लाखों की से परेशान हो गए। इसलिए आपके बहुत उम्मीद कर रहे हैं, जैसा पूरी तरह से सरकार बनाना है, सरकार बनाना है, बनाए तो हम लोग मिलेंगे और आपके के लोग हैं अपनी सूची में और सरकार बनने पर आपको जो जितने लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए आप बहुत ही हिम्मत के साथ, गंभीरता के साथ विचार करो कि आपके देश की जो समस्या है वो आपके लिए उम्मीद कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी तो हमारे देश समाज का उत्थान होगा, हमारे देश का विकास होगा, हमारा किसान होगा। नेताजी, उम्र जरूर हावी है, उम्र हो भी गई है, क्यों ना हावी हो, लेकिन नेताजी का अंदाज अद्भुत है। जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य अप डाउन होता रहता है, उम्र भी काफी हो गई नेताजी की, लेकिन अंदाज, अंदाजे बया मुलायम सिंह का अपना अलग है। नेताजी जब पार्टी कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई समाजवादी की वालों की जो लाल टोपी है ना, इससे भारतीय जनता पार्टी वाले डर गए हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उन्होंने चुटकुले
का इस्तेमाल किया, जोश भरा और ये कहा, जैसे कभी हमने देखा है मुलायम सिंह की दर्जनों जनसभाएं हमने बतौर रिपोर्टर भी कवर की हैं, मुलायम सिंह का ये अंदाज है, वो मंच से ही घोषणा कर देते हैं कि सत्ता में किसकी कितनी हिस्सेदारी रहेगी, यही अदा है, यही मुलायम की अदा है जिस पर लोग फिदा हैं, मुलायम सिंह यादव की अदा है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के बड़े जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, उसके 3 बार मुख्यमंत्री रहे और चौथी बार उनका बेटा। आप देखिए ये अंदाज मुलायम सिंह का अद्भुत अंदाज है, वो कह रहे हैं कि भाई सरकार बनेगी तो जो संघर्ष कर रहे हैं बड़े दिनों से उनको एडजस्ट किया जाएगा, नेताजी का जो यही अंदाज है, यही गुरुमंत्र है, वो अपने आप में अद्भुत है। एक बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक से मुलायम सिंह पर चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह सबको हिस्सेदारी देते हैं, किसी को मंत्री, किसी को विधायक, किसी को सांसद, किसी को राज्यसभा, जो बचे खुचे हैं उनके डेडिकेटेड कार्यकर्ता संघर्ष में साथ देने वाले उनको निगम, मनोनीत पार्षद, मनोनीत एमएलसी, एमएलसी, और जब सब सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं तो नेताजी 2 गनर दे देते हैं अपनी सरकार में, एक नेता को 2 गनर। आप देखिए कार्यकर्ताओं का किस तरह संयोजन एडजस्टमेंट मुलायम सिंह से सीखने वाला है। तब जो भी कार्यकर्ता संघर्ष करता है जिसको कुछ भी नहीं दे पाए उसको 2 गनर, कम से कम गाड़ी में झंडा लगा के 2 गनर बैठा के भौकाल तो टाइट करके रखता ही है वो नेता। तो ये है मुलायम सिंह यादव। ठीक है, बहुत बड़े तमाम सर्वे आज भी हम देख रहे थे, चुनाव में कई सर्वे इस तरह के आ रहे हैं कि भाई पिछले 4-6 हफ्तों समाजवादी पार्टी का ग्राफ नहीं बढ़ा, 32-33% पर समाजवादी पार्टी का वोट है और 42-43% पर भारतीय जनता पार्टी का वोट है। तमाम विश्लेषक, तमाम एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी को 235-230 सीटें दे रही हैं, अखिलेश को 160 के आसपास टिका रही हूँ, कह रहे भाई सत्ता से दूर है अखिलेश। बातें हो सकती, सबको पता है कि भाई सर्वे कैसे होते हैं, क्या होता है इनमें, ये एक दिशा बताते हैं, मैं किसी सर्वे एजेंसी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये दिशा बताते हैं, रास्ता बताते हैं, ये तो जनता है, कभी भी कुछ कर सकती है। खैर थोड़ा विषयांतर हो रहा था लेकिन इस जगह बात करना जरूरी था। भारतीय जनता पार्टी चूंकि बहुत संगठित पार्टी है और उस पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, कार्डर बेस पार्टी, सिस्टम बेस पार्टी, एक 14 सदस्यीय चुनाव समिति बना दी है, हालांकि उसके ज्यादातर सदस्य कोरोना संक्रमित हो गए हैं, वो वर्चुअली इस बैठक से जुड़ रहे हैं। आज पहली बैठक इस चुनाव अभियान समिति की लखनऊ में हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल हुए और पहले फेज में जहां चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है वहां के उम्मीदवारों के टिकट पर मंथन हुआ, चिंतन हुआ, एक मोटा मोटी सहमति बनी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव मतदान शुरू होगा 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 10 जिलों में वोट पड़ेंगे। ये वही इलाका है जहां किसान आंदोलन को लेकर ये आशंका जताई जा रही है कि बीजेपी को तगड़ा डेंट लगेगा, तो इस इलाके में टिकट बंटवारे में बीजेपी खास सतर्कता बरत रही। जो खबरें हमें अब तक मिली वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मोटा मोटा एक सहमति बना ली। अब ये पूरी लिस्ट लेकर चुनाव अभियान समिति के जो जिम्मेदार लोग हैं कल दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में एक बैठक होगी, उसके बाद शायद खरमास की वजह से भी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। मुझे लगता है 14-15 तक, क्योंकि 14 तारीख से नामांकन है, 14-15 तक उम्मीदवारों की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की घोषणा हो जाएगी। अब एक सवाल ये भी है कि सपा के जो गठबंधन सपा का है, दूसरी तरफ सपा की बात करते हैं, जो सपा के गठबंधन का कुनबा बढ़ रहा है, तो दूसरे ओर अखिलेश यादव कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी 350 के करीब सीटें लड़ेगी, ऐसे में महज 53 सीटों पर आधा दर्जन गठबंधन सहयोगियों का समायोजन और उसमें भी प्रसपा के लिए सम्मान जुटाना और उसके लिए शिवपाल यादव के लिए सम्मानजनक सीटें छोड़ना, इसका फार्मूला भी समाजवादी पार्टी के लिए टेढ़ी खीर होगा। तो अपने आप में कुल मिलाकर ये स्थितियां अलग तरीके की हैं, लेकिन चुनाव है और बड़ा दिलचस्प चुनाव होता है उत्तर प्रदेश का। देश में अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में जरा
जबरदस्त चुनाव होता, चूंकि कोरोना की वजह से रैलियों पर और प्रचार पर रोक लग गई है, तो कुल मिलाकर अभी उस तरीके का जोश तो नहीं दिख रहा है, लेकिन तमाम जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि भाई फला नेता जी ने साड़ी बांट दी, किसी ने कुछ बांट दिया, इस तरह की खबरें आ रही, किसी ने बिना मास्क के जुलूस निकाल दिया, तो ये खबरें आ रही। खैर, ये तो जान पर खेलना है, साड़ी बांटना आचार संहिता का उल्लंघन है, और बिना मास्क के प्रचार करना, जो 5 की लिमिट है उससे ज़्यादा जाना, अपने आप में बीमारी को दावत देना खुद की और लोगों की जान भी जोखिम में डालना है। हमारे सहयोगी मोहम्मद सफी ने कुछ तथ्य जुटाए, देखिए उनको। 2022 की चुनाव की बिसात बीत चुकी है। हम इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर, जहां पर जो कार्यकर्ता हैं उनका हुजूम लगा है। आज दिन में यहां पर जो सपा संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में लगभग 1 घंटे बैठकर वार्ता हुई, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र का जो प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो कहीं ना कहीं उस पर मंथन चल रहा था, उनके नामों को लेकर मंथन चल रहा था। क्योंकि उधर अगर बात करें हम, किसान जो है वो लगातार बीजेपी से नाराज चल रहे थे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जरूर ये चाहेगी कि किसान चेहरा कोई उधर से उतारा जाए, क्योंकि जो शुरुआत है वो पश्चिमी क्षेत्र से की जा रही है, और यहाँ पर भारी मात्रा में जो कार्यकर्ता हैं वो भी आए हुए हैं और लगातार जो टिकट की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर आज दिन में चर्चा भी हुई थी। फिलहाल अब लगातार जो टिकट को लेकर मंथन किया जा रहा है, टिकट को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। खुद मुलायम सिंह यहां पर आ जाए, 1 घंटा मौजूद रहे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, और मंथन किया कि किसको कौन सा टिकट देना है, किस क्षेत्र का टिकट देना है, क्योंकि एक ही क्षेत्र से कई लोग जो प्रत्याशी उतर कर सामने आ रहे हैं, कई लोग टिकट मांग रहे हैं। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी किसको टिकट देती है। कैमरामैन मानस के साथ सफी अहमद, के न्यूज इंडिया। तो हमारे सहयोगी सफी अहमद ने लखनऊ में जो सपा का मुख्यालय है वहां आए लोगों से बातचीत की, और बातचीत के आधार पर जो आपने सुना वो बातें सफी ने आपको बताई। नेताजी की जिक्र हम पहले कर चुके हैं इस कार्यक्रम के शुरुआत में ही, हमने कार्यक्रम की शुरुआत ही नेताजी से की, उनके अंदाज और अंदाजे बयां से की। अब एक बार पहले फेस के चुनावी कार्यक्रमों पर नजर डालते हैं। ये उत्तर प्रदेश का जो पूरा चुनावी कार्यक्रम है, पहला फेस, ये पहला फेस 10 फरवरी को होगा। पहले चरण में 58 सीटें हैं, 10 फरवरी को यहां वोट डाले जाएंगे। 11 जिले हैं, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, यहां वोट डाले जाएंगे। 2017 में किसको कितनी सीटें मिली थी ये भी हम आपको बताते हैं। बीजेपी को 76 से जो टोटल 76 सीटें हैं उनमें 66 सीटें इस क्षेत्र मिली थी, और सपा को महज 4 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। तो ये पूरा गुणागणित है, 1 सीट अन्य को मिली थी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बम्पर सफलता मिली थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, भयानक सफलता इसको कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी महज 4 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। तो ये अपने आप में ये इस बार देखना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नाराजगी, 1 साल तक किसानों का आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चला, दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर किसान डेरा डाले रहे पूरे 1 साल तक, और जब कृषि कानून जब तक वापस नहीं लिए गए तब तक वो वहां डेरा डाले रहे। महत्वपूर्ण बात यह है जो चुनाव में रिफ्लेक्ट करेगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 कृषि कानून वापस लिए उससे लोगों की नाराजगी कम हो गई, क्या बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वर्चुअली प्रचार में अब उस तरीके का विद्रोह विरोध भी मुझे लगता देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रचार रैलियां संपर्क उसनी भीड़ के साथ होगा नहीं, तो लोग घरों में बैठकर साइलेंट ही वोटिंग करेंगे, जो अभी कोरोना की स्थिति उससे ऐसा ही लग रहा है। तो यह देखना होगा कि क्या ये जो गुस्सा है लोगों का, ये जो हमारी ईवीएम है उसमें रिफ्लेक्ट करता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण होगी। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर एक तरीके से ये मुकाबला सीधा करने में कामयाब रहे हैं, सीधा सीधा मुकाबला अभी दोनों दलों के बीच दिखाई दे रहा है, और समाजवादी पार्टी भी इस मुकाबले को उसी तरीके से देख रही, उसी तरीके से कर भी रही है। तो अब कुल मिलाकर ये देखा जाए कि पूरी परिस्थितियां इस तरीके की हो गई हैं कि
दोनों दलों के लिए अब ये करो मरो के एक तरीके से स्थितियां बन गई हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक बहुत बड़ी ताकत है आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, जाट, गुर्जर, किसान, मुसलमान, बहुत बहुत बड़ी ताकत है। मुख्य धारा के मीडिया से यह पार्टी गायब है, बहुजन समाज पार्टी गायब है, समझ में आता है, कोई एक्टिविटीज नहीं है। लेकिन यह पार्टी गायब है, यह बात आश्चर्य पैदा करती है। जयंत चौधरी स्वयं उन अजीत सिंह के बेटे हैं, वो स्वयं आरएलडी के अध्यक्ष हैं, अपने पिता की मृत्यु के बाद पहला ये चुनाव वो अकेले लड़ रहे हैं। इससे पहले चौधरी अजीत सिंह का साया उनके ऊपर रहता था। जयंत चौधरी जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, भीड़ जुट रही है उनकी, और वो ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं उन्होंने की अभी आदर्श आचार संहिता लगने से पहले तक पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक एक इलाके में उन्होंने सभाएं की, आशीर्वाद यात्राएं की, आशीर्वाद रैलियां की और एक जबरदस्त जन समर्थन जुटाया। इस पार्टी का मुख्य धारा के मीडिया में ना नजर आना आश्चर्य पैदा करता है। लेकिन इस पार्टी, ठीक है आप मुख्य धारा के मीडिया में ना रहे, मीडिया में ना रहे, लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ी है कि जो मीडिया में नहीं रहेगी पार्टी में चुनाव में अच्छा नहीं करेगी। तो जयंत चौधरी का अंदाज मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको सुना है, मैंने उनके भाषणों को सुना है, मैंने देखा है उनका अंदाजे बयां, वो मुझे लगता है कि बड़े चौधरी साहब चौधरी चरण सिंह का कहीं ना कहीं उनके अंदर वो छाप दिख रही है। अजीत सिंह तो भाषण कला में इतने निपुण नहीं थे, लंदन में पढ़े, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़कर आए हैं चौधरी जयंत, लेकिन आप उनके भाषणों को सुनेंगे, उनके अंदाज को देखेंगे, विशुद्ध देसी गवई अंदाज है जाटलैंड का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का, जाट गुजरों के बीच जो किसानों की, नौजवानों की बात वो कर रहे हैं, वो प्रभाव छोड़ रही पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और जो मुझे लगता है, मैं इस बात को बहुत विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि जो भी राजनीतिक विश्लेषक या जो सर्वे एजेंसियां जो सर्वे कर रही हैं, वो मुझे लगता है अपने सर्वे में जयंत चौधरी को कहीं ना कहीं मिस कर रही हैं, और यही सरप्राइज पैकेज होगा दूसरे दलों के लिए समाजवादी पार्टी के साथ में। देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार पीएन द्विवेदी साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ में। द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत नमस्कार। कुल मिलाकर जो चुनावी रणनीति गुणागणित जो आपने देखा, समझाते रहते हैं आप, अभी मैं आपको आज के मुद्दे में भी सुन रहा था जो हमारा खास कार्यक्रम है, जो जयंत चौधरी वाला फैक्टर हमने आपको बताया, ये पहले चरण के वोटिंग ट्रेंड में क्या इफेक्ट डालेगा, क्या स्थिति होगी? क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जो सर्वे देख रहा हूं, जो मुख्यधारा के मीडिया का रवैया, चाल चरित्र, चेहरा देख रहा हूं, उसमें ऐसा लग रहा है कि वो जयंत चौधरी के फैक्टर को मिस कर रहे हैं। द्विवेदी जी, देखिए चौहान साहब, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो मिजाज है वो कुछ अलग है जी। पिछले विधानसभा के पिछले 3-4 चुनाव को आप देखें तो वहां पर कोई तात्कालिक मुद्दा जो है मुख्य मुद्दा नहीं बनता है। अभी जो चर्चा हो रही है इस समय कि किसानों का मुद्दा, वहां पिछले एक साल से किसान आंदोलनरत रहे, उसके बाद केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया, तो ये चर्चा होना स्वाभाविक है कि किसानों का यह मुद्दा बन सकता है जी। लेकिन एक दूसरा प्रमुख मुद्दा और वहां पर प्रभावी है जी, वो है कानून व्यवस्था का मुद्दा। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ है जी, और पिछली बार भी हुआ था जी, आपने देखा होगा जी, और उसका परिणाम क्या था, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी जी, मात्र 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी और लोकदल के गठबंधन को विजय मिली थी जी। कुल 136 सीटें पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश आप ले लीजिए तो ये दिखाई देता है। तो इस बार भी जो आ रहा है उसमें केवल किसानों का ही मुद्दा नहीं है,
उसमें कानून व्यवस्था का भी एक मुद्दा अहम बन रहा है। ऐसी स्थिति में जयंत जी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन है और उसमें शिवपाल जी की भी, अभी उनको भी कुछ न कुछ सीट वो मांगेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनका भी देखे समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में शिवपाल जी का बहुत बड़ा हाथ है। जब मुलायम जी अध्यक्ष हुआ करते थे तो संगठनात्मक भूमिका मुख्य रूप से शिवपाल जी ही अदा करते थे, तो उनको भी कुछ सीट मिलना है। तो ऐसे में क्या स्थिति बनेगी ये आने वाला चुनाव ही बताएगा। ठीक बात है, कानून व्यवस्था से आपका जो मानना है, कानून व्यवस्था का मतलब सीधे जो दंगों की बात मुख्यमंत्री ने कही, तमाम बीजेपी के नेताओं ने यह बात कहा कि भाई उनके राज्य में दंगे नहीं हुए, मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सांवली हो, सहारनपुर हो, जाति दंगे भी वहां पर अखिलेश की गवर्नमेंट के दौरान हुए थे। तो मुझे लगता है कि अब इसको दूसरे शब्दों में कानून व्यवस्था न कहकर इसको ध्रुवीकरण कह दें, हम ध्रुवीकरण की बात कर लें कि ध्रुवीकरण वहां होता रहा है, वहां का नेचर रहा है। और पिछली बार जब भी चाहे 19 हो, 19 हो चाहे 17 हो चाहे 19 हो, जो आज नाराज हैं, जो किसान नेता आज नाराज हैं, ये बीजेपी के पाले में खड़े थे। ये भी इस फैक्ट को भी द्विवेदी जी हम बिसरा नहीं सकते, इसको भूल नहीं सकते, क्योंकि जो ध्रुवीकरण में धार दी थी वो यही चेहरे थे, चाहे राकेश टिकैत हो चाहे अन्य लोग हों, बीजेपी के पाले में ये लोग खड़े थे। और इन लोगों ने निश्चित तौर पर जो बंटवारा हुआ वोटों का और भारतीय जनता पार्टी को उस बंटवारे में लाभ हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें स्थितियां कुछ इस तरीके की रही हों। लेकिन अब ठीक बात है, आप कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात इस बिंदु को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन जाट गुजर किसान ये क्या फैक्ट बिल्कुल असर नहीं करेगा द्विवेदी जी, जो फैक्टर है ये? नहीं देखिए, वहां पर वो जो फैक्टर आप बता रहे हैं वो भी प्रभावशाली है जी, और किसानों का भी मुद्दा प्रभावशाली है, लेकिन कानून व्यवस्था को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता जी, है जी, क्योंकि भाजपा भी वो जान रही है ना, उसने कृषि कानूनों को वापस लिया और उसको मालूम है कि ये मेरे लिए नुकसानदेह है, तो भाजपा भी डैमेज कंट्रोल में लगे है और वो पुरानी बातों को याद दिला रही है जी जी जी। तो ऐसी स्थिति में जहां भाजपा के लिए चुनौती है, वहीं सपा के लिए भी ये चुनाव चुनौती है पश्चिम उत्तर प्रदेश। ठीक बात। बहुत शुक्रिया द्विवेदी जी हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, हमें अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक पीएन द्विवेदी साहब ने बताया कि भाई आप कानून व्यवस्था जिसे वो कह रहे हैं, वास्तव में मसला वो ध्रुवीकरण का है। वो कह रहे हैं, इस बात की आशंका जता रहे हैं कि भाई 17 और 19 में लोकसभा चुनाव और 2017 में विधानसभा चुनाव, भयानक ध्रुवीकरण हुआ था और इसी ध्रुवीकरण की वजह से भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल गई थी, एक थोक के भाव इतनी सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, इस बार अलग तरीके का समीकरण है, अलग तरीके का मिजाज है, एक मंच पर एक साथ हिंदू मुस्लिम का नारा लगता है, किसान जो कभी विरोध में नारा लगाने वाले किसान नेता आज एक मंच पर मुसलमान का भी हाथ पकड़कर खड़े हुए हैं, तमाम समीकरण बन बिगड़ रहे हैं, तमाम नेता एक दूसरे से पार्टियों में आ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिलेगा। तो दिलचस्प होगा पहला चरण उत्तर प्रदेश का जो 11 जिलों में होना है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 10 तारीख को वोट पड़ेंगे।